हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ टाइम पहले मैं उठा क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है, आप देख पा रहे हैं वेदर कैसा दिख रहा है यहाँ पर, और उसके बाद से सीधे मैं गार्डन में यहाँ पर वॉक कर रहा था और मैं सोचा कि सीधे वीडियो बनाता हूँ और आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएँ देता हूँ और गार्डन की भी कुछ अपडेट देता हूँ और कुछ आपके जो क्वेश्चन थे कमेंट बॉक्स में उसको भी लेकर कुछ मैं बातें करने वाला हूँ। देखिए, पुराने वर्ष में आपने क्या किया, बहुत कुछ गलतियाँ की होंगी, बहुत कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई होंगी आपके साथ, लेकिन कमियों को सुधार करके नए वर्ष में जो कुछ भी आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, लक्ष्य का मतलब ऐसा नहीं कि बस जॉब पाना और किसी एग्ज़ाम को क्लियर करना, बहुत सारे जीवन के उद्देश्य होते हैं। ये तो एक छोटा सा उस जीवन के चक्र का बस भौतिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपका उद्देश्य होता है। यानी आप नौकरी करना चाहते हैं, कुछ आपकी भौतिक ज़रूरतें हैं, चाहे पैसा अधिक कमाना है, लोगों को उनकी जो आर्थिक नीड है उसकी उसे पूरा करना है, लेकिन और भी बहुत सारी नीड्स होती हैं, तो उनको भी पाने के लिए आप नए वर्ष में जो है मेहनत और लगन से काम कर सकते हैं ताकि आप उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। और इसके साथ ही साथ जो यूजीसी नेट से रिलेटेड कई सारे कमेंट आए थे कि सर आप जो है 10 यूनिट के जो क्वेश्चंस हैं वो तो मैं कराऊंगा ही, लेकिन थ्योरी वाला पार्ट है उसे आप कवर करा दीजिए। तो आपको पता है कि 10 यूनिट बहुत अपने आप में बड़ी बात है और 1.5 महीने के आसपास टाइम बचा हुआ है, तो उसमें कवर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है हेल्प कर पाऊँ ताकि आप पेपर वन में अच्छा स्कोर कर सकें। और थ्योरी वाले पार्ट में अलग अलग यूनिट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करिएगा, मैं उन्हें कवर कराने का प्रयास करूँगा। और बाकी मैं ये करूँगा कि जो 500 प्लस क्वेश्चन आपको कराने के लिए मैंने बोला था उसमें मैं ऐड कर दूंगा और भी क्वेश्चन 700 600 इस तरीके से, और आज से ही शाम से वो क्वेश्चन आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ जिससे पेपर वन में आप स्कोर को अच्छा कर सकते हैं। तो पेपर वन में देखिए, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं अपने आप में, तो उनको आप ज़रूर करिएगा। और ज़्यादा नहीं, 2020 से लेके 22 के बीच में अलग अलग शिफ्ट में जो भी पेपर हुए हैं और उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट DI वाला आपका यूनिट है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनको कर जाइएगा, वो प्रीवियस ईयर से आपके अच्छे तरीके से कवर हो जाएंगे। उसमें जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में जो पैराग्राफ देता है उसमें बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन उसे सॉल्व करने का तरीका आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से मिल जाएगा। अब बोलेंगे सर आप पूरे गार्डन का व्यू दिखा रहे हैं और बात कर रहे हैं UGC नेट एग्जाम की, तो देखिए जो कमेंट्स हैं उनके मैं जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आप गार्डन को देखिए, यहाँ पे बहुत सारी है, जो ये जितना भी मैंने गार्डन बनाया है, जितने भी पॉट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये सब जो है आपके जैसे नॉन यूजेबल जो कंटेनर होते हैं प्लास्टिक के, जो लोग फेंक देते हैं, उसको मैंने लाया है, कट करके दो पार्ट में डिवाइड किया है और उसको कलरिंग किया, फिर उसमें मैंने पौधे लगाए हैं। देख पा रहे हैं आप, ऐसा नहीं कि ये परचेज किया हुआ यहाँ पर पॉट है बहुत सारा, जैसे देखिए यहाँ पर मैंने लाया था, और लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर आपको वैसे ही कंटेनर मिलेंगे जो कि मैंने रीयूज किया है, जिसको फेंक दिया जाता है बेकार समझ के। बाकी मैं मौसम की आपको अपडेट दे देता हूँ। देखिए मौसम बहुत ही यहाँ पर ठंडा है हमारे यहाँ, और दूर दूर तक आपको वो खेत दिख रहे होंगे, उधर गेहूँ सरसों और भी कुछ फसल लगी हुई हैं, तो ये ठंडी बहुत ज़रूरी है गेहूँ की फसल के लिए, नहीं तो गेहूँ अच्छा नहीं होगा। और हमारे लिए थोड़ा सा दिक्कत की बात है कि ठंडी लग रही है, लेकिन गेहूँ की फसल के लिए काफ़ी ज़रूरत है क्योंकि हमें खाने के लिए क्रॉप भी चाहिए, तो वो भी महत्वपूर्ण है। बाकी मौसम में अपने देश में काफ़ी ज़्यादा विविधता आपको देखने को मिलता है, ठंडी गर्मी बसंत बहुत सारी ऋतुएं आपको देखने को मिलती हैं, और ये चीज़ें आपको यूरोपियन कंट्री में या ऊपर अगर आप नॉर्थ में ऊपर जाते हैं तो उधर देखने को आपको नहीं मिलता है, और इसी डाइवर्सिटी की वजह से अपना देश जाना जाता है, ये भी आपको पता है। अपने देश में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन लोग जो होते हैं वो कमियों को ज़्यादा ध्यान देते हैं, कमियां हैं लेकिन उनको सुधार करना है, ऐसी चीज़ नहीं कि अपने देश के अंदर अच्छी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन मैं बहुत सारा जब देखता हूँ सोशल मीडिया पे तो लोग कहते हैं ये नहीं है, दूसरे कंट्री में बहुत सारी चीज़ बेहतर है नो डाउट, लेकिन अपने देश में भी बहुत कुछ अच्छा है और कमियां जो है उसे सुधार करेंगे और अपने देश को भी बेहतर बनाएंगे। बाकी जो है आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से रखिएगा, जो ये 50 दिन आपको मिले हैं पेपर की तैयारी के लिए वो काफ़ी ज़्यादा, अगर आप दृढ़ संकल्प के साथ अगर तैयारी करते हो तो निश्चित रूप से आप इस बार नेट क्या JRF भी क्लियर कर सकते हैं, और फिर उसके बाद रिसर्च करिए या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, फॉर्म भर के तैयारी करिए और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं।
और मुझे लगता है कि मैंने पौधे दिखा दिखा कर आपको बोर कर दिया, तो उसके लिए सॉरी। और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, बातें बहुत सारी हैं, फिर कभी हम बात करेंगे। और फिर से मैं आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ नए वर्ष की, आपको और आपके पूरे परिवार को। अच्छे से इंजॉय करिए, अपने लक्ष्यों को पाने के लिए हमेशा अग्रसर रहिए और पॉजिटिव रहिए, और हैप्पीनेस को अपने आस पास ही रहने दीजिए। बाकी तो दुखी पूरा संसार है, दुख का कोई कारण बहुत सारा होता है, लेकिन आपको दुखी नहीं होना है, खुश रहना है और खुशी के साथ ही सारी चीज़ों को करने का प्रयास करना है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और अपडेट में और कुछ अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।